तो हेलो मेरे लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम 999 में। तो भाई आ चुके हैं फिर से टॉपिक पे वीडियो लेके। तो भाई लोग इस वीडियो में ओनली कवर करने वाले हैं भाई लोग जो हमारा OB33 अपडेट होने वाला है उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनक्यूबेटर पे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बात करने वाले थे इनक्यूबेटर जो हमारा, मैंने बहुत पहले मतलब कि एक दो वीडियो पहले मैंने दिखाया हुआ था, तो उसका रिव्यू मैं करने वाला हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी टॉप इनक्यूबेटर जो हमारी मतलब कि OB33 के बाद देखने को मिलने वाली जो टॉप स्किन हमारी पैराफिल की। हाँ भाई लोग सही सुना आपने, जो कि पैराफिल की हमारी जो नेक्स्ट इनक्यूबेटर होने वाली है, ठीक है, OB33 के बाद ये पैराफिल की इनक्यूबेटर होने वाली है। तो पहले उसका टॉप मैं स्किन दिखा रहा हूँ, उसके बाद ऐसे ही सीकर के मैं भी दो स्किन और दिखाऊंगा। जो लास्ट वाली स्किन है वो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, क्योंकि वो स्किन मेरे पास मतलब कि रिव्यू में नहीं है। तो पहले जो टॉप वाली है उसी को मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले लोग पैराफिल की स्किन में तो दिखा रहा हूँ। तो पहले लोग इसके लिए ही फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कर, उसका चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन पे सेट कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो दोनों में रिव्यू कर रहा हूँ, जो कि ऊपर से जो टॉप मैंने थ्री मतलब कि पैराफिल थी वो रिव्यू कर दी, उसके बाद जो अपकमिंग जो बंडल होने वाले हैं जो कि देखने को मिल सकता है आपको तुरंत बाद, जो कि OB33 अपडेट के तुरंत बाद देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग ये बंडल होने वाला है, ठीक है, जो कि किसी इवेंट के दौरान आपको ये दोनों बंडल मेल फीमेल देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग आप लोग एकदम अलर्ट लो ना किसी भी टाइम, ये जो बंडल है आपको मैं दोनों रिव्यू कर रहा हूँ। पहले अभी तो फीमेल का रिव्यू कर रहा हूँ, तो पहले अभी देख सकते हो मेल का जो बंडल है एकदम बैटमैन पे एकदम आधारित किया जाए, तो जो भी बोल सकते हो इसको आप एकदम उसी पे बेस्ड होने वाला। तो पहले अभी ये जो बंडल है ये हो चुका है, अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो हमारा OB33 अपडेट क्या होगा, मतलब कि उसमें क्या क्या चीज़ें न्यू देखने को मिलेंगी आपको। ओके तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हो OB33 अपडेट कल हमारा होने वाला जो कि 23 तारीख को, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा कुछ अपडेट आ रहे हैं मैं पिक दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ देख सकते हो क्रेडिट सिस्टम आने वाला जो कि न्यू इवेंट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर। तो उसके बाद सेकेंड जो नंबर है यहाँ देख सकते हो रिपोर्ट सिस्टम इन्वायरमेंट, तो देख सकते हो गेम के दौरान ही आप किसी को भी रिपोर्ट कर सकते हो, यानी यहाँ पे कुछ न्यू चीज़ें ऐड की जाएंगी जो कि रिपोर्ट में होगा, जो कि मान लो कोई भी आपको अब्यूज़ करता है गेम के दौरान तो आपको आप उसको गेम के दौरान ही उसको रिपोर्ट कर सकते हो और कुछ देर के लिए मतलब कि रोक सकते हो उसको ये सब करवाने से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे तो जो तीसरे नंबर का अपडेट है जो कि मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे वॉइस चैट, यहाँ पे रिपोर्ट फीचर यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि रिपोर्टिंग यहाँ पे मतलब कि जो कि बातचीत करने का यहाँ पे कुछ उसमें अपग्रेड करने देखने को मिलेगा। उसके बाद जो चौथे नंबर का जो कि सबसे यहाँ मतलब कि आपको इंटरेस्ट लगेगा, जो कि आप देख सकते हो स्मॉलर गेम फाइल साइज, ठीक है। तो पहले ये देख सकते हो पहले तो यहाँ पे आइकॉन फ्री फायर का ऐसा कुछ हो जाने वाला है OB33 के बाद। उसके बाद मैं अभी इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगा, तो पहले मैं बात नहीं करने वाला हूँ कि आपको अपडेट कैसे करना होगा, मैं बस इस पर बात करूँ कि आपको अपडेट के बाद देखने को कैसे मिलेगा, ठीक है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो पहले फाइल साइज जो होने वाला फ्री फायर का वो एकदम लो हो जाने वाला है, ठीक है। तो पहले देखते हैं अभी कितना लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ कन्फर्म करके नहीं बता सकते कि इतना ही लोग। तो भाई लोग यहाँ पे कम होने वाला है फाइल साइज, ये आप जरूर जान लेना, ठीक है। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट में देखने को मिलेगा, जो कि अपडेट के बाद यहाँ पे जैसे ही आप क्वाड्रा किल करोगे यहाँ पे देख सकते हो कुछ जैसे हेड बन के आएगा, उसके बाद यहाँ पे विंग्स टाइप का कुछ लगा रहेगा, ठीक है, यहाँ पे विंग्स टाइप का कुछ लगा रहेगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हो ये हो सकता है सिंगल सिंगल किल करके देखने को मिले, या तो हो सकता है जैसे आप इस क्वाड्रा मारो हर एक लूट क्रेट के ऊपर एक ऐसे विंग टाइप का देखने को मिले, जो कि मतलब कि आपके जो स्क्रीन पर वो तो ब्लू दिखेगा लेकिन जो लूट करके ऊपर रहेगा वो येलो देखने को मिलने वाला है, ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हो एनिमेशन में दो टो देखा रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वेपन तो आप जानते हो, जो कि मैंने रिव्यू कर दिया हुआ है पहले, यहाँ पे एक 2000 करके कुछ ऐसे 12000 करके कोई गन आ रहा है, उसके बाद ये गन है जो कि 360 जो कि ऐसा करके एक न्यू गन निकल के आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जो कि केंटा, यहाँ पे कैरेक्टर जो कि होने वाला है बहुत ही मस्त सा कैरेक्टर होने वाला, जो कि कोरोना जैसा एकदम सेम एबिलिटी बोल सकते हो। कोरोना क्या था कि वो शील्ड बनाते रहता था हर साइड से, लेकिन ये फ्रंट का बस कवर करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है MP5 में भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि आप बोल सकते हो इसको जो भी चिप बोल सकते हो ये MP5 में भी अब लगेगा। तो भाई लोग MP5 तो एकदम जहर होने वाली ही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो आप देख सकते हो अपडेट में देखने को मिलेगा एलिमिनेट लोकेशन ऑन मैप दोस्तों, जैसे मुझे यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न है कि यहाँ हो सकता है यहाँ पे जो डेंजर जोन है उससे जो मरेगा बंदा उसका जो लूट क्रेट रहेगा वो आपको मैप में शो हो जाएगा, या हो सकता है जो सारे बंदे मरे हों उसका लूट क्रेट आपको मैप में शो। तो भाई लोग इन दोनों में हमको कन्फ्यूज़न है, लेकिन हाँ लूट क्रेट शो होने वाला मैप में ये बता सकता हूँ, बस कन्फ्यूज़न है कि नॉर्मल वाला शो होगा कि कौन सा शो होगा। उसके बाद और भी जा कहते हैं वो आप पॉज करके देख सकते हो। उसके बाद जो लास्ट है ये हमारा लाइट पास मैं बाद में करूँगा, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।